फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहार, वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान डिजाइन लेकर आई हूं। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट और बच्चों के स्वेटर पर अप्लाई कर सकती हैं। इन सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है और फ्रेंड्स, जेंट्स के स्वेटर पर तो ये डिजाइन बहुत ही प्यारा लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल फंदे लेकर के 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 6 के मल्टीपल देखिए, पहले 6 फंदे गिन लीजिए, फिर से 6 और लास्ट में आपके 2 फंदे रहने चाहिए। ये डिजाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है और 2 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट पर आपको बॉर्डर के बाद फंदे बढ़ाने हो तो आप उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए और सीधी साइड से हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 20 फंदे लिए हुए हैं, 6 × 3 = 18 और उसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा। डिजाइन की पहली सिलाई है, आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेगी। पहला फंदा आप उतार भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। तो देखिए, पहला फंदा उल्टा और दूसरा फंदा भी उल्टा। उतारना हो तो भी आपने यहाँ पर 2 फंदे रखने हैं और बनाना हो तो भी आपने यहाँ पर 2 फंदे रखने। तो ये 2 फंदे उल्टे करने के बाद धागा पीछे कर लीजिएगा। अब देखिएगा, ये जो 4 फंदे हैं इनमें से ये बीच वाले फंदे हमारे, ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो देखिए, आगे की साइड से इस फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे, इसको उतार के पीछे की साइड से इसको बीच में ले आएंगे और इसको आगे। अब देखिए, इसे भी सीधा बना देंगे और इसको भी, 2 फंदे सीधे हो गए। अब हमने ये वाला फंदा यहाँ पर लेके जाना है और ये वाला यहाँ लाना है। तो पीछे की साइड से इस फंदे में देखिए ऐसे सिलाई डालेंगे, इस बीच वाले को उतार के इसकी जगह पर डाल देंगे और इसको इसकी जगह पर, और इन दोनों को भी सीधा बना देंगे, 1 और ये 2। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये 4 फंदे हमारे पलटे भी गए हैं और सीधे भी बन गए। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदे उल्टे बना दीजिए। ये देखिएगा, 1 और ये 2। फिर से धागा पीछे कर लीजिएगा और जैसे हमने ये 4 फंदे बनाए ऐसे ही अब यहाँ पर बनाने हैं। देखिए, ये वाला फंदा हमने पहले बनाना है और ये बाद में बनाना। एक तरीका इसका ये होता, देखिए फ्रेंड्स, इस वाले फंदे को छोड़ के इसमें ऐसे सिलाई डालेंगे और इसको ऐसे सीधा बना देंगे। अब इसे छोड़कर देखिए, इस वाले में सिलाई डालेंगे और इसको भी सीधा बना देंगे और इन दोनों को उतार देंगे। अब देखिएगा, ये आगे वाला फंदा यहाँ पीछे चला गया है और पीछे वाला आगे आ गया है। अब हमने ये फंदे पलटने हैं, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला बीच में जाएगा। तो पीछे की साइड से ऐसे करेंगे, इसको उतार के यहाँ पर डाल देंगे और इसको बीच में, इन्हें भी अब सीधा बना देंगे। देखिए इस तरह से, अब हमारे यहाँ पर देखिए फंदे पलटे गए हैं और 4 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। फिर से धागा पीछे कर लीजिएगा। अब ये 4 फंदे हमने ऐसे ही बनाने हैं, तो इसको छोड़ के इस वाले में ऐसे सिलाई डाल लेंगे और इसको सीधा बना देंगे। अब इसे भी सीधा बना करके इसे उतार देंगे। ये 2 तरीके मैंने बताए हैं फ्रेंड्स इन 2 फंदे को पलटने के, आपको जो आसान लगे वो कर सकती हैं। अब देखिएगा, ये वाला यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ आएगा, तो पीछे की साइड से इसमें ऐसे सिलाई डालेंगे, इसको उतार के आगे की साइड से ऐसे ले लेंगे और पीछे वाले को अब बीच में ला करके इन्हें सीधा बना देंगे। तो देखिए इस तरह से ये 4 फंदे हमारे बने गए हैं, धागा अपनी तरफ और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है, अब आ जाइएगा इसकी दूसरी सिलाई पर। दूसरी सिलाई पर देखिए फ्रेंड, जो फंदे हमारे यहाँ पर उल्टे बनाए वो यहाँ सीधे हो जाएंगे, जो 4 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाए वो उल्टी सिलाई पर आपके उल्टे हो जाएंगे। तो पहला फंदा आप उतारिए या बनाइएगा, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे, फिर धागा आप पीछे कर लीजिएगा और 2 फंदे सीधे। देखिए, 1 और ये 2, धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे, 1 और ये 2 3 और ये 4, फिर से धागा पीछे और 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करके 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे और लास्ट के 2 फंदे सीधे।
इस तरह से ये दो सिलाइयों का डिजाइन है, यही दो दो सिलाइयां इसमें हमने बार बार रिपीट करनी। तो चलिए एक बार फिर से आपको बना करके दिखाती हूँ। पहला फंदा आप बना भी सकती हैं और उतार भी सकती हैं। तो देखिए ये दो फंदे हमारे यहाँ पर उल्टे हो गए। अब धागा पीछे कर लीजिएगा। फिर से हमने यही करना है, ये वाला फंदा बाद में बनाना है और ये पहले बनाना है। देखिए इस वाले को, तो इसमें ऐसे यहां से ऐसे सिलाई डाल लेंगे, इसको हम पहले सीधा बना देंगे और इस पहले वाले फंदे को बाद में सीधा बना करके दोनों को एक साथ उतार देंगे। अब देखिए ये वाला फंदा यहां पर जाएगा और ये वाला यहां पर आएगा। तो पीछे की साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे, बीच वाले को पीछे ले जाएंगे और पीछे वाले को बीच में ले आएंगे और इन दोनों को अब सीधा बना देंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ कीजिएगा और दो फंदे उल्टे। फिर से धागा पीछे कीजिएगा और ये जो चार फंदे सीधे हैं इनमें से ये पहले बनाना है और ये बाद में। तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, आगे वाले में ऐसे सिलाई डालेंगे, पहले नंबर वाले फंदे को उतार के बीच में ले जाएंगे और बीच वाले को लाकर आगे डाल देंगे और इन दोनों को अब सीधा बना देंगे। ये देखिएगा ये फंदे पलटे गए हैं। अब ये बीच वाला हमने बाद में बनाना है और ये जो आगे वाला है इसको पहले बनाना है। तो पीछे की साइड से इस फंदे में सिलाई डालेंगे, बीच वाले को उतार के इस सिलाई में ले आएंगे और इसको पीछे से बीच में और इन दोनों को अब सीधा बुन देंगे। देखिएगा इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे। धागा पीछे करेंगे, फिर से ये चार फंदे इनको ऐसे ही बनाना है। देखिए इसको छोड़ देंगे, इसमें ऐसे सिलाई डालेंगे, इसको उतार के यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ पर, ऐसे फंदे पलटे गए हैं। अब देखिए ये बीच वाला हमने पहले बना लिया और जो पहले नंबर का था उसे हमने बीच में बना दिया। अब देखिए इस फंदे को बाद में बनाएंगे, इसको पहले बनाना है। तो पीछे की साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे, इसको उतार के यहाँ डाल देंगे और इसको यहाँ पर और इन्हें अब ऐसे सीधा बना देंगे। धागा अपनी तरफ करके लास्ट के दो फंदे उल्टे। उल्टी सिलाई पर फिर से हमने वही करना है, ये दो फंदे सीधे चार उल्टे, दो सीधे चार उल्टे दो सीधे, इस तरह से करते हुए यही दो दो सिलाइयां हमें बार बार रिपीट करनी है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।